Hello and welcome back to the Samth Academy. Myself, Parvez Ansari. Let's continue the next topic, that is time of supply under GST, concept and significance. Time of supply and time of issue of tax invoice is an important factor. इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है, चाहे वो फॉरवर्ड टैक्स मैकेनिज्म हो या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो, दोनों के केस में हमारी लायबिलिटी कब अराइज होती है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट वाज द टाइम ऑफ सप्लाई और हमारा टैक्स इनवॉइस कब इशू होना चाहिए था. सो द टॉपिक इज वी विल सी द रिलेवेंट प्रोविजंस. टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? Advance receipt in case of goods or service. Time of issue of invoice, हमें इन्वॉइस कब इशू करना चाहिए, उसका टाइम लिमिट क्या है, उसका ट्रांजेक्शन पीरियड. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, टैक्स इन्वॉइस का टाइम क्या है, और इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस. तो ये सब चीज़ों के बारे हम थ्रू आउट द वीडियो हम अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहले बात करें रिलेवेंट प्रोविजंस की, तो डिफरेंट सेक्शंस दिए हुए हैं. हालांकि इफ़ वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं एंड हमें टैक्स दैट इज सेक्शन वाइज समझना है, तो हमने डिटेल में यहाँ पे एक सेक्शन वाइज नोट डाउन कर रखा है. सेक्शन 12 इंडिकेट कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स आपने जो सप्लाई किया उसका टाइम क्या है, दैट इज लायबिलिटी कब अराइज होने वाली है. इसी दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है टाइम ऑफ सप्लाई, दूसरा होता है टाइम ऑफ टैक्स इनवॉइस. टाइम ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ टैक्स इनवॉइस डिफर हो सकते हैं. इसका एग्जांपल्स हम देखेंगे जब हम थ्रू आउट आगे बढ़ेंगे, तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है. तो सेक्शन 12 इज अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड 13 इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ये उस केस में डिस्कस होगा जहाँ पे हमारा रेट ऑफ दैट इज टैक्स अगर इन बिटवीन दैट इज ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन पीरियड चेंज हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा. एंड सेक्शन 31 विल टॉक अबाउट टाइम ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ. रूल 47 टॉक्स अबाउट द लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस. इसकी लिमिट क्या है कि कितने विद इन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम आप इनवॉइस रेज कर सकते हो, चाहे वो गुड्स के रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विस के रिलेटेड हो. एंड नोटिफिकेशन. सो हम ये सारी चीज़ों को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे. अब सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई. ये टाइम ऑफ सप्लाई होता क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई सिंपल, टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स द पॉइंट व्हेन द लायबिलिटी टू पे द टैक्स अराइज. यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई वो टाइम होता है जहाँ पे सप्लायर की दैट इज लायबिलिटी अराइज होती है इन केस ऑफ फॉरवर्ड टैक्स मैकेनिज्म, कि उस पर्सन को टैक्स कौन से टाइम पे पे करना है, उसकी लायबिलिटी कौन से डे पे अराइज होती है. तो सेक्शन 12(1) The liability to pay the tax on goods shall arise at the time of supply as determined in accordance with the provision of this section. यानी कि सेक्शन 12 में दिया हुआ है कि टाइम ऑफ सप्लाई कब अराइज होती है, उसके हिसाब से लाइबिलिटी कब पे करना है उसको. ये सब चीज़ें गुड्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट इन केस ऑफ सर्विसेज. हम आगे डिटेल में समझेंगे कि ये सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 सेक्शन 31 डिटेल में कैसे डिस्कस करता है टाइम ऑफ सप्लाई एंड इशू ऑफ टैक्स, कैसे इशू करना है, क्या उसकी ड्यूरेशन है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई अंडर सेक्शन 31 ऑफ CGST, तो इसको समझो, इसको हम बारीक से समझते हैं. सी टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, हमें इनवॉइस कब रेज करना है. दो चीज़ें हो सकती हैं, गुड्स की और सर्विस की. आप इनवॉइस कब रेज करो, अगर मान लो आप गुड्स में डील करते हो, सेक्शन 31 डील करता है CGST एक्ट का कि एक इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स नीड टू बी इशूड बिफोर और एट टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपिएंट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व द मोमेंट ऑफ गुड्स. यहाँ पे एक पॉइंट कवर होता है कि इनवॉइस तब रेज किया जाएगा दैट विल बी इशूड बिफोर और एट टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, यानी कि जब आपका गुड्स मूवमेंट के लिए बाहर निकलता है उस टाइम पे या उससे पहले आपको इनवॉइस रेज करना है। हाउएवर इन अदर केसेस इनवॉइस नीड टू बी इशूड बिफोर एट टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग अवेलेबल गुड्स टू द रिसिपिएंट, यानी कि उस केस में जहां पे अगर लेट्स से अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो उस केसेस में क्या हो सकता है, उस केसेस में जिस टाइम पे वो गुड्स रिसिपिएंट को अवेलेबल कराया गया, अवेलेबल इन द सेंस फॉर द पर्पस ऑफ यूज, जिस टाइम पे रिसिपिएंट को हैंड ओवर किया गया उस टाइम पे भी अपने को टैक्स इनवॉइस इशू करने का टाइम होता है। अब ये बोलोगे कि मूवमेंट ऑफ गुड्स तो समझ में आता है बट ये जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स में हैंडओवर कैसे हो सकता है, हैंडओवर उस केस में हो सकता है जैसे कि आप पर्टिकुलर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रिसिपिएंट के ऑफिस में जाते हो और एक फर्नीचर बनाते हो, तो यहाँ पे गुड्स आपने फर्नीचर यहाँ से वहाँ मूव नहीं किया बल्कि उनके ऑफिस के डेकोरम के हिसाब से आपने डिज़ाइन के हिसाब से वहाँ पे फर्नीचर बनाया, उसको इंस्टॉल किया, उसको तैयार किया, तो एक बार जब बन के रेडी हो गया और आपने हैंडओवर कर दिया तो वो आपका कहलाएगा टाइम ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी या फिर मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू रेसिपिएंट। तो बात हो गई सेक्शन 31 ये कहता है कि आपको इनवॉइस इन केस ऑफ अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो आपको गुड्स बिफोर डिलीवरी यानी कि गुड्स निकलने से पहले ही या फिर एट द टाइम ऑफ निकलने के टाइम आपको इनवॉइस रेज करना है। अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उस केसेस में आप जब प्रोडक्ट हैंडओवर करते हो, डिलीवरी देते हो, तो उस केस में आपको इनवॉइस रेज करना है। ये तो बात हो गई गुड्स की। अब बात करते हैं सर्विस की। एन इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस नीड टू बी इशूड बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट नॉट लेटर देन 30 days, यानी कि इनवॉइस आपको इन केस ऑफ सर्विस कब रेज करना है, जब सर्विस कंप्लीट होती है या फिर सर्विस कंप्लीट होने के मैक्सिमम 30 days के अंदर, यानी कि 30 दिन के अंदर इन केस ऑफ सर्विस खत्म हो गई तो आपको इनवॉइस रेज कर देना है। बट वो डेज अगर आपने मिस कर दिया तो मैक्सिमम 30 डेज के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपको 30 डेज के अंदर आपको सर्विस कंप्लीट होने के बाद आपको इनवॉइस रेज कर देना है। सो आई होप सो यू आर क्लियर विद द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी तक हमने बात किया टाइम ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस, अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई मीन्स आपने प्रोडक्ट सप्लाई कब किया, चाहे मूवमेंट हो या फिर विदाउट मूवमेंट, तो इस केसेस में कैसा हो सकता है, इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स कैन बी डिटरमाइन अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। ये दोनों में से कोई एक डेट हो सकता है, जैसे कि the last date on which supplier is legally bound to issue the invoice with respect of supply, यानी कि लास्ट डेट क्या हो सकता है इन द केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, वही चीज जो मैंने बताया था कि या तो गुड्स मूवमेंट होने से पहले इनवॉइस रेज कर दिया हो या फिर जब गुड्स की डिलीवरी हैंडओवर कर दी गई हो तो वो लास्ट डेट होता बाय डिफॉल्ट। इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड तो उस केसेस में सेक्शन 31 आपने हम लोग जो अंडरस्टैंड किया पीछे केस में कि इनवॉइस जब रेज करेंगे उस टाइम पे बाय डिफॉल्ट वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई अलग है, टाइम ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस अलग है। टाइम ऑफ सप्लाई वो हो गया जब हमने वो उसके ऑफिस में फर्नीचर इंस्टॉल करके उसको हैंडओवर कर दिया, वो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। तो जैसे टाइम ऑफ सप्लाई हो गया उसी टाइम पे हमें टैक्स इनवॉइस भी रेज कर देना था। और द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट, या फिर जिस दिन हमें पेमेंट मिल जाता है, तो विच एवर इज अर्लियर एज पर सेक्शन 31 के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई एंड या तो फिर पेमेंट, दोनों में से जो भी अर्लियर है वो कहलाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, विच एवर इज अर्लियर। बट इन केस ऑफ सर्विस, वो तो बात हो गई गुड्स की। इन केस ऑफ सर्विस ध्यान से समझना इसको। इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द लीगल प्रिस्क्राइब पीरियड अगेन अंडर सेक्शन 31, जो कि क्या था, विच इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। पहला चीज तो बता रहा है कि 30 डेज के हिसाब से जो ड्यू डेट और नॉर्मल ड्यू डेट है 30 डेज, देन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे काउंट होगा, जो नॉर्मल 30 डेज है या फिर पेमेंट, दोनों में से जो पहले आया। इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द लीगली प्रिस्क्राइब पीरियड, यानी कि जो 30 डेज का टाइम है, अगर उसके अंदर हमने इनवॉइस रेज नहीं किया तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई, देन द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और द डेट ऑफ रिसीव्ड पेमेंट। तो उस केस में अगर हमने इनवॉइस रेज नहीं किया तो उस केस में जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुआ या जिस दिन हमें पेमेंट मिला, उस दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, उसके हिसाब से हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस काउंट किया जाएगा। डेट ऑन विच रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ अफोरसेड टू प्रोविजन डू नॉट अप्लाई। अगर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 अप्लाई नहीं होता है तो उस केस में रिसीवर यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जिस दिन अपने बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करता है हमें पेमेंट मिला, बाय डिफॉल्ट वही टाइम ऑफ सप्लाई काउंट हो जाता है। सो टाइम ऑफ सप्लाई इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड टाइम ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस इज अ डिफरेंट वन। टैक्स इनवॉइस कब रेज करना है वो मैंने बता दिया, दोनों के केस में, गुड्स और सर्विस के केस में। एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस भी इज डिफरेंट वन, तो वो दोनों एक दूसरे से लिंक है। टाइम ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस दोनों एक दूसरे से लिंक है। तो ये वही चीज है जो हमने डिस्कस किया, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स, तो विच एवर इज अर्लियर आइदर पॉइंट ए पॉइंट बी। पॉइंट ए में वही डिस्कस किया हुआ है कि विद इन एज पर रूल 31 के हिसाब से, 31 के हिसाब से ये है कि बिफोर डिलीवरी ऑफ दैट इज प्रोडक्ट निकलने वाला है, इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स, और इन केस अगर आपका प्रोडक्ट मूवमेंट नहीं हो रहा है तो डिलीवरी या फिर हैंडओवर से पहले आपने उस प्रोडक्ट का टैक्स इनवॉइस रेज कर देना है। और द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट, ये वही चीज़ है जो हमने डिस्कस किया सेक्शन 12(2). इन केस ऑफ 13(2) यानी कि सर्विस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, आइदर एनी ऑफ 3 वही चीज़ है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ये वही पॉइंट्स कवर है यहाँ पे वापस से। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स सर्विसेज वेयर द सप्लाई इज लायबल टू पे टैक्स, वही चीज़ें हमने जो डिस्कस की वहाँ पे समरी बेसिस पे, वही डिटेल मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिख रखे हैं। तो एज पर सेक्शन 12(2) दैट टॉक्स अबाउट गुड्स के बारे में, टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो सकता है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस यानी कि जिस दिन इनवॉइस रेज करोगे एज पर सेक्शन 31 के हिसाब से, और टू द एक्सटेंट द इनवॉइस कवर द सप्लाई ऑफ गुड्स, और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एंड इन केस ऑफ 13(2) यानी कि सर्विसेज के केस में, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 यानी कि जो 30 डेज का था, और द डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट बाय द सप्लायर यानी कि जिस दिन सर्विस कंप्लीट हो गई या जिस दिन पेमेंट आ गया, विच एवर इज अर्लियर, तो उस केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई काउंट हो जाता है। सो अपने को दोनों पॉइंट्स मेक श्योर 100% क्लियर होने हैं कि इश्यू ऑफ टाइम ऑफ टैक्स इनवॉइस क्या है एंड टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है। दोनों डिफरेंट है, हालांकि एक दोनों दूसरे से लिंक है, बिकॉज टैक्स टाइम ऑफ सप्लाई से ही अपनी लायबिलिटी इन द बुक्स, लायबिलिटी अराइज होती है। ओके, अब बात करते हैं टैक्स ऑन एडवांस। सो आप इसको मोटे मोटे तौर पे ऐसे समझो कि टैक्स ऑन एडवांस रिसीट यानी कि पैसा अगर हमें एडवांस बेसिस मिलता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें टैक्स पे करने की जरूरत है। तो मैं अगर सिंपल बोलूँ कि इफ यू आर डीलिंग इन गुड्स, अगर आप गुड्स में डील करते हो तो आपको एडवांस रिसीट पे कोई टैक्स नहीं पे करना है। सिंपल लैंग्वेज में, आप टर्नओवर भूल जाओ, आप कंपोजिट डीलर में भूल जाओ, नॉन कंपोजिट भूल जाओ, आप गुड्स में डील करते हो तो किसी भी तरह का अगर आपको एडवांस आता है तो उस केस में आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहले अपने को अप्लीकेबल था, बट 15 नवंबर 2017 ऑनवर्ड्स नोटिफिकेशन इशू किया गया, इन टर्म्स ऑफ गुड्स किसी को भी कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो इलस्ट्रेशंस एंड एग्जाम्पल, अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, पीपीटी में आप इसको देख लेना, बट मैं इसको जस्ट एक सिनारियो बेस पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अ मशीन हैज़ टू बी सप्लाई एट साइट, एक मशीन अपने को साइट पे इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल इन द सेंस सप्लाई करनी है। इट इज डन बाई सोर्सिंग वेरियस कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम द वेंडर्स एंड असेंबलिंग द मशीन एट साइट। इंपॉर्टेंट है, असेंबलिंग एट द साइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा मशीन मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि वो प्रोडक्ट जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूवमेंट नहीं हो रहा है। हालांकि उसके कंपोनेंट्स कलेक्ट हो रहे हैं कंपोनेंट्स कलेक्ट करके पर्टिकुलर क्लाइंट के साइट पे जाके इंस्टॉल किया जा रहा है, फिक्स किया जा रहा है, तो इस केसेस में द डिटेल्स ऑफ द वेरियस इवेंट्स, क्या क्या डिटेल्स हुआ, ट्रांजेक्शन क्या हुआ। 17 सितंबर को हमें एक परचेस ऑर्डर मिलता है जिसमें हमें 50,000 रुपये एडवांस मिलता है। तो एडवांस मिला, आप सप्लाई ऑफ गुड्स है तो एडवांस मिला तो छोड़ दो, एडवांस पे कोई टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बनती है। इज रिसीव फॉर द मशीन वर्थ ₹12 लाख, मशीन की कीमत है 12 लाख। 12 लाख का मशीन का ऑर्डर मिला है जिसमें से 50,000 रुपये हमें एडवांस आ गया है। एंड एंट्री ड्यूली मेड इन द सेलर्स बुक्स ऑफ अकाउंट, हमने 50,000 रुपये का एंट्री रिकॉर्ड कर लिया। अब हुआ क्या, 20 अक्टूबर को मशीन हमने असेंबल कर दिया, टेस्ट कर लिया और एक्सेप्टेड बाय द बायर, इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेड बाय द बायर, बायर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे जो टाइम ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस की बात होगी तो सेक्शन 31 ये कहता है, सेक्शन 31 ये कहता है इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स पहले रेस करना था लेकिन यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुआ है, यहाँ पे अदर देन मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो इस केसेस में जब प्रोडक्ट हमने डिलीवर कर दिया, उनको हैंड ओवर कर दिया, इट इज मेड अवेलेबल फॉर द बायर, दैट इज डेटेड 28 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को यहाँ पे क्या हो गया, हमने हैंड ओवर कर दिया है, तो टाइम ऑफ टैक्स इनवॉइस अपना हो जाता है बाय डिफॉल्ट 20 अक्टूबर, लेकिन इनवॉइस रेज हुआ है 23 अक्टूबर को, विच इज रॉन्ग। एक्चुअल में इनवॉइस रेज होना चाहिए था 20 अक्टूबर को। टाइम ऑफ सप्लाई भी क्या हो गया अपना बाय डिफॉल्ट 20 अक्टूबर। 4 तारीख को पूरा का पूरा पेमेंट 11,50,000 रुपए का आ चुका है। तो पता करो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द अबव सिनेरियो फॉर द पर्पस ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स। वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि दिस इज द नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो गुड्स है वो अवेलेबल किया गया, विच इज एक्सेप्टेड बाय द बायर, दैट इज ऑन 20 अक्टूबर। 50,000 रुपये जो एडवांस मिला है वो तो भूल जाओ, इस केस में अभी फिलहाल अप्लीकेबल नहीं है। तो पूरा का पूरा गुड्स अवेलेबल किया गया, दैट इज ऑन 20 अक्टूबर। So the time of supply and the time of issue of tax invoice is 28 October, which is clear. I guess it is clear. Okay, next example is investigation shows that 150 cartons of ceramic capacitors were dispatched on 2nd of August, but no invoice was raised. यहाँ पे गलती हुई है, 150 कार्टून सिरामिक्स भेज दिया 2 तारीख को, 2 अगस्त को, लेकिन इनवॉइस रेज नहीं हुआ। और एंड द ट्रांजेक्शन दैट इज वाज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स, और एंट्री भी रिकॉर्ड नहीं की है। देयर वाज नो एविडेंस ऑफ रिसिट, और पैसा भी नहीं आया, ऐसा कोई हमें एविडेंस नहीं मिला। तो पता करो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ 150 कार्टून। सिंपल, बाय डिफॉल्ट क्या कहता है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, तो सेक्शन 31 ये कहता है सिंपल, बिफोर, ऑन और बिफोर जिस दिन अपना प्रोडक्ट का सप्लाई हुआ या उससे पहले। तो सप्लाई का भी हुआ है बाय डिफॉल्ट 2 अगस्त, तो बाय डिफॉल्ट टाइम ऑफ सप्लाई एंड टैक्स इनवॉइस का डेट क्या हो गया, 2 अगस्त। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। 6 मई को अपना एक बुकिंग ऑफ कन्वेंशन हॉल, सम एग्रीड 15,000 एडवांस, 3,000 रिसीव। इस केस में क्या हो रहा है कि एक हॉल का बुकिंग की गई है 6 मई को और 3,000 रुपये एज एन एडवांस आ गया है। 15 सितंबर को फंक्शन हो गया हॉल में। अच्छा याद रखना, 6 मई से लेके अभी डेट आ गया 15 सितंबर, यानी कि एक्चुअल सर्विस कब परफॉर्म हुई है, एक्चुअल सर्विस जो परफॉर्म हुई है 15 सितंबर। 27 अक्टूबर को इनवॉइस रेज हुआ है 15,000 रुपये का और 12,000 रुपये उस पर पेबल है, बिकॉज 3,000 तो ऑलरेडी आ चुका है, बाकी का पैसा 3 नवंबर जो है 12,000 रुपये आ चुके हैं। अब यहाँ पे केस क्या हो रहा है, आप सिंपल, ये इतना लंबा आंसर है मैंने लिख रखा है, आप इसको स्टडी कर लेना, लेकिन सिंपल यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये सर्विस का केस है। पैसा अपने को 3,000 आया है, 15 सितंबर को ये अपना सर्विस रेंडर हो चुका है। अब इस केसेस में क्या हो गया, इस केसेस में एडवांस आया 3,000, तो इन केस ऑफ सर्विस एडवांस 3,000 पे बाय डिफॉल्ट ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई काउंट हो जाएगा। यहाँ पे 6 मई को आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है 3,000 पे। तो फर्स्ट, इसमें 2 पार्ट हो गए टाइम ऑफ सप्लाई की, पहला पार्ट हो गया 6 मई, बिकॉज यहाँ पे 3,000 आपको एज एन एडवांस रिसीव हो चुका है। नाउ अब 15 सितंबर को सर्विस परफॉर्म हुई है, तो 15 सितंबर, तो बाय डिफॉल्ट रूल अपना क्या कहता है, सेक्शन 31 ये कहता है सिंपल कि क्या होना चाहिए, विद इन 30 डेज के अंदर आपका इनवॉइस रेज होना चाहिए। तो 15 सितंबर से अगर 30 डेज काउंट करो राउंड फिगर तो 15th ऑफ अक्टूबर होता है, बट इनवॉइस अपना रेज हुआ है 27th विच इज अबव यानी कि टाइम लिमिट के ऊपर चला गया। तो इन सच केसेस एक्चुअल सर्विस और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो डेट ऑफ पेमेंट 3rd नवंबर तो बहुत दूर है, तो एक्चुअल सर्विस कब परफॉर्म हुई है 15 सितंबर, तो यानी अपनी टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया बाय डिफॉल्ट, एक तो हो गया अपना 6th में 3000 रुपीज का और दूसरा हो गया 15th ऑफ सितंबर फॉर बैलेंस अमाउंट दैट इज 12,000 का। क्लियर? सो ये था टाइम ऑफ टैक्स ऑफ इनवॉइस इशू करने का एंड टाइम ऑफ सप्लाई। तो दिस वाज द केस ऑफ सर्विसेज, ये वही चीजें यहाँ पे लिख रखी हैं, बट आप रूल एंड रेगुलेशन में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बट आप इसको सिंपल समझो कि एडवांस है तो बाय डिफॉल्ट 3,000 रुपीज पे टैक्स लगेगा। इनवॉइस अपना रेज होना चाहिए था 15 तारीख से लेके 15 अक्टूबर के बीच में, लेकिन रेज नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली बात है बाय डिफॉल्ट 15 तारीख को ये अपनी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाती है। सेक्शन 31 टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, उसी चीज को डिटेल में हमने डिस्कस किया। सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट बिफोर एट टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ द गुड्स। नॉर्मल केस में जहाँ पे गुड्स के मूवमेंट होते हैं, ये तो गुड्स की मूवमेंट है, जहाँ पे मूवमेंट होगा तो ऑब्वियस बात है बिफोर और एट टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, तो अपने को इनवॉइस रेज करना, सप्लाई ऑफ गुड्स काउंट होगा वो। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई, जहाँ पे गुड्स की सप्लाई कंटिन्यू होती रहती है, मतलब हर महीने हम प्रोडक्ट की सप्लाई करते रहते हैं पार्ट में, तो बिफोर और आफ्टर टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियडिक स्टेटमेंट। तो इस केस में क्या, आप जब पीरियडिक स्टेटमेंट इशू करोगे और द रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, आप यानी कि जब इस केस में क्या होगा, जब प्रोडक्ट की सप्लाई कंटिन्यूअस बेसिस पे होती रहेगी तो उस केस में सप्लाई कब काउंट होगा, सप्लाई काउंट होगा बिफोर द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियडिक स्टेटमेंट, जहां पे स्टेटमेंट इशू होगा उससे पहले। जैसे कि एग्जांपल, आपके ऑफिस में हर महीने स्टेशनरी वाले यहाँ से कुछ न कुछ गुड्स आते रहता है, उसका बिलिंग एक ही बार होता है, तो क्या बिल बना के नहीं भेजता, वो स्टेटमेंट भेज देता है, स्टेटमेंट हर महीने भेज देगा और आप उसका पेमेंट उसको मिल जाएगा, तो विच एवर इज अर्लियर, तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। और तीसरा है नॉट मूवमेंट ऑफ गुड्स, इस केस में क्या होता है, आइदर टाइम ऑफ डिलीवरी, जब हमने उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया उसको, या फिर उसको हमने हैंड ओवर कर दिया कि लो भाई तुम्हारा प्रोडक्ट रेडी है यूज करो, जैसे हमने देखा मशीन का एग्जाम्पल देखा। और सेक्शन 31(7) दैट टॉक्स अबाउट गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, उस केसेस में क्या, जहाँ पे गुड्स हमने सप्लाई तो कर दिया बट जब तक अप्रूव नहीं होता तब तक हमारा वो सेल्स में काउंट नहीं होता। इन सच केसेस बिफोर और एट टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, तो इस केसेस में ऑनर बिफोर ऑफ सप्लाई या फिर अप्रूवल अगर पेंडिंग पड़ा है तो बिफोर 6 मंथ, यानी कि विच एवर इज अर्लियर, 6 महीने हो गए अप्रूव नहीं हुआ, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या काउंट होगा, जिस दिन अपना प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए गया था, या फिर 6 महीने, मतलब 6 महीने के अंदर 5 महीने के अंदर उसने अप्रूव कर दिया, तो जो 5वां महीना वो टाइम काउंट होगा आपका सप्लाई ऑफ गुड्स। सो आई होप सो यू आर क्लियर विद द डिफरेंट मूवमेंट की, अगर मूवमेंट होगा कंटिन्यूस सप्लाई होगा, मूवमेंट नहीं होगा या अप्रूवल बेसिस रहेगा तो उस टाइम में अपने को सप्लाई ऑफ गुड्स कब काउंट करना है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज सिमिलरली, जैसे जैसे गुड्स था उसी तरीके से यहाँ पे सर्विस में। नॉर्मल केस में अपना क्या रूल है कि बाय डिफॉल्ट 30 डेज के अंदर इनवॉइस तो रेज हो जाना ही चाहिए, बट अदर देन नॉर्मल केस यानी कि बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इनको टाइम मिलता है 45 डेज का। सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज अबव बिफोर अकाउंटिंग और एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर, यानी कि अकाउंटिंग या फिर एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर, यानी कि साल खत्म होने से पहले या फिर क्वार्टर खत्म होने से पहले, बट ऑब्वियस अपने को क्या करना पड़ेगा, एंट्री उसकी टाइम ऑफ सप्लाई काउंट करनी पड़ेगी, सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, उस केस में क्या, जब सर्विसेज कंटिन्यू होता है तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पीरियडिक पेमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लायर रिसीव द पेमेंट, और ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द स्पेसिफिक इवेंट। स्पेसिफिक इवेंट मतलब कि जैसे कि आपने बोला कि 70% कंप्लीट होना चाहिए, 80% कंप्लीट होना चाहिए, तो उस केस पे ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक इवेंट। अच्छा, सेशन ऑफ सर्विस टाइम व्हेन सप्लाई सीज टू द एक्सटेंड सप्लाई मेड बिफोर सच सेशन, यानी कि वो खत्म होने से पहले, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में ये बात हो गई कि सर्विस के केस में, गुड्स के केस में अपने को क्या टाइम लिमिट दी हुई है एज पर रूल 47 क्या कहता है अंडर सेक्शन 31, कि अपने को किस टाइम के अंदर किस किस केसेस में कब कब अपना टाइम ड्यूरेशन है और कब कब अपने को टैक्स इनवॉइस या फिर टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या होते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड और विल बी प्रोवाइडेड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, रिकरिंग बेसिस, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पीरियड मोर देन 3 months और विद पीरियडिक पेमेंट ऑब्लिगेशंस, यानी कि हर क्वार्टर पे, हर महीने में कुछ ना कुछ पेमेंट रहेगा, तो इस केसेस में ये काउंट होता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। सिमिलरली सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोवाइडेड ऑन रिकरिंग बेसिस, कंटिन्यूअस बेसिस, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, वेदर और नॉट बाय मीन्स और वायर, केबल, पाइपलाइन और अदर कंडीट फॉर विच सप्लायर इनवॉइस टू द रिसिपिएंट और रेगुलर पीरियडिक बेसिस। इस केसेस में क्या इनवॉइसेस या फिर स्टेटमेंट हर एक पीरियड में इशू होते रहते हैं। सो दीज आर द केसेस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो यहाँ पे बेस्ड ऑन पेमेंट एंड बेस्ड ऑफ स्टेटमेंट दोनों दिए हुए हैं, तो इस केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई एंड टैक्सेस इनवॉइस का रूल अप्लाई होता है। तो गुड्स एंड सर्विस की बात हो गई। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब तो हमने अभी तक जो भी एग्जांपल देखा वो सारे के सारे एग्जांपल थे दैट वाज रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ टैक्स इनवॉइस, दैट वाज अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। रिवर्स चार्ज मीन्स क्या होता है? सिंपल आप ये समझो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में यानी कि वो स्पेसिफाइड नेचर ऑफ सर्विसेज और गुड्स जिस केसेस में रिसिपिएंट यानी कि रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैज टू डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी एज पर गिवन नोटिफिकेशन, यानी कि रिसिपिएंट को जो है उसको टैक्स पे करना पड़ता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट इज, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो स्पेसिफाइड रेट के हिसाब से वो उसको खुद को पे करना पड़ता है। यहाँ पे क्या बताया, रिवर्स चार्ज मीन्स द लायबिलिटी टू पे द टैक्स बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। सप्लायर पे नहीं करेगा, रिसिपिएंट पे करेगा ऑन गुड्स सर्विसेज बोथ अंडर द सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 9 और अंडर द सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 5 ऑफ द IGST एक्ट एंड सर्विस टैक्स, दैट इज IGST, दैट इज सेक्शन अपना जो कहता है कि इस केसेस में यानी कि उस केसेस में जहाँ पे रिसिपिएंट होता है गुड्स और सर्विस का वो टैक्स पे करेगा, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहलाता है। तो इस केस में भी इम्पोर्टेंट है अपने को पता करना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है, सो दैट टैक्स लायबिलिटी अराइज कब होती है, कब पे करना है, वो क्लियर होना जरूरी है। सो इस केसेस में विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे दिया हुआ है विच एवर इज द अर्लियर द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। फर्स्ट जिस दिन अगर बात करें गुड्स की बात करो इन टाइम्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो इस केस में डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ गुड्स जिस दिन मटेरियल मिला उस दिन अपनी आरसीएम की लायबिलिटी अराइज हो गई, और द डेट ऑफ द पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑन द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, यानी कि जो रिसिपिएंट उसके बुक्स में पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड की गई है और बैंक स्टेटमेंट की एंट्री, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो जल्दी है वो, यानी कि गुड्स मिला ठीक है फाइन, लेकिन अगर मान लो पेमेंट पहले ही कर दिया था, बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट पहले चला गया था तो वो। तीसरा कहता है द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाई वॉट एवर नेम कॉल इन द लीव ऑफ देयर ऑफ बाई सप्लायर, यानी कि 30 डेज के अंदर का इनवॉइस रेज होता है या फिर इनवॉइस रेज नहीं होता, उसके बदले कुछ भी रेज हो, इनवॉइस ऑब्वियस बात है हो सकता है रेज हो या ना हो, बिकॉज जो सप्लायर जो हो सकता है वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, नॉन रजिस्टर्ड भी हो सकता है। तो अगर गुड्स बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में काउंट होता है तो विद इन 30 डेज के अंदर या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज दैट आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वो तो बात हो गई गुड्स की, अब बात करते हैं दैट इज सर्विसेज की। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विस के केस में कब कब अप्लाई होता है और टाइम क्या होता है टैक्स पे करने की। इसमें भी दो केसेस दिए हुए, द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, यानी कि उसने बुक्स में पेमेंट की एंट्री 1 अगस्त को दिखाई है, दैट इज चेक 1 अगस्त को इशू किया है बट बैंक से चेक क्लियर हुआ है 5 अगस्त को, तो विच एवर इज अर्लियर यानी कि 1 अगस्त। तो फर्स्ट क्या हो गया 1 अगस्त, तो उस दिन को बाय डिफॉल्ट उसका टाइम ऑफ सप्लाई काउंट हो जाएगा। या फिर और द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाई वॉट एवर नॉम कॉल इन द लिव ऑफ देयर बाय द सप्लायर। या फिर सप्लायर ने जो इनवॉइस रेज किया या फिर इनवॉइस के बदले जो भी डॉक्यूमेंट इशू किए उसके विद इन 60 डेज के अंदर बाय डिफॉल्ट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ गुड्स कितना था 30, बट इन टर्म्स ऑफ सर्विस कितना है? सप्लायर ने जो भी डॉक्यूमेंट, मैं डॉक्यूमेंट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सप्लायर जरूरी नहीं है कि वो टैक्स इनवॉइस रेज करे। सप्लायर रजिस्टर्ड होगा तो ऑब्वियसली बात है टैक्स इनवॉइस रेज करेगा, रजिस्टर्ड है बट उसका जो नेचर ऑफ सर्विस है वो आरसीएम में आता है, तो वो उस केसेस में जो उसने इनवॉइस रेज किया रहेगा उसके विद इन 60 डेज, अगर पेमेंट नहीं किया हम लोगों ने तो विद इन 60 डेज के अंदर अपना टाइम ऑफ सप्लाई काउंट हो जाता है और लायबिलिटी अपनी अराइज हो जाती है। या फिर अगर हमने पेमेंट कर दिया है पहले तो ऑब्वियस बात है, पेमेंट किया है तो ऑब्वियस होता है जिस दिन पेमेंट किया उस दिन लायबिलिटी अराइज हो गई। टाइम फॉर सप्लाई सर्विसेज रिवर्स चार्ज। See, other than associate person and date on which payment entered in the books of account, जिस दिन मैंने बुक्स में एंट्री की या फिर जिस दिन मेरे बैंक अकाउंट से हिट हुआ, हमने डिस्कस किया वही whichever is earlier, या फिर 60 days, 61 डे बाय डिफॉल्ट उसको इनवॉइस बाय द सप्लायर जो हो जाएगा उसका लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। एसोसिएट एंटरप्राइज एंड सप्लायर ऑफ द सर्विसेज विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सर्विसेज विच इज सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड दैट इज वो अगर इंडिया से बाहर हो तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स, जब अपने एंट्री रिकॉर्ड किया हमने बुक्स में उस दिन या फिर जिस दिन हमने पेमेंट किया उस दिन, दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर अपने को उस दिन अपनी लायबिलिटी अराइज हो जाती है। उस दिन बाय डिफॉल्ट टाइम फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज काउंट कर लिया जाता है। तो ये तो बात हो गई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, यानी कि किस केस में, गुड्स की केस में अपनी लायबिलिटी कब अराइज होती है, इन केस ऑफ सर्विस लायबिलिटी कब अराइज होती है। तो सिंपल अगर हम बात करें इन केस ऑफ गुड्स आरसीएम में अगर गुड्स आया तो अगर हमने पेमेंट कर दिया तो पेमेंट या फिर विद इन 30 डेज व्हिचएवर इज अर्लियर। पेमेंट में भी दो केसेस है, पेमेंट में दो केसेस क्या है, जिस दिन हमने एंट्री रिकॉर्ड की या तो वो जिस दिन या फिर हमारे बैंक अकाउंट से वो डेबिट हुआ व्हिचएवर इज अर्लियर। वो दोनों में से डेट, एक डेट लेना है एंड सेकेंड अपना विद इन 30 डेज जो इनवॉइस सामने वाले पार्टी से आया उस केस में से व्हिचएवर इज अर्लियर। और दूसरा इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उस केस में क्या हो गया तो डेट ऑफ पेमेंट या फिर विद इन 60 डेज, जिस दिन 60 डेज इनवॉइस सामने वाली पार्टी ने रिसीव किया यानी कि दिया, रिसिपिएंट को इनवॉइस रेज हुआ, विद इन 60 डेज के अंदर अपने को उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है, यानी 61 डेज के अंदर बाय डिफॉल्ट अपनी लायबिलिटी अराइज हो जाती है। बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई बाय यूजिंग द पैरामीटर, अगर ये दोनों केसेस अप्लाई नहीं होते हैं देन the time of supply will be the date of entry of the service in the books. So by default जिस दिन receiver of goods या receiver of service जिस दिन अपने book में entry record करेगा उसी दिन by default क्या हो जाएगा time of supply कहलाएगा और उस दिन ही liability raise हो जाती है। Supply of goods that are taxable under reverse charge mechanism example दिया हुआ है, invoice raise किया 2 अप्रैल को, goods supply हो गया 5 अप्रैल को, पेमेंट मेड ऑन 15 अप्रैल, तो इस केस में आप बताओ कौन सा डेट पे अपने को टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कवरेज होती है। अभी हमने डिस्कस किया तो आप इसका आंसर खुद सोचो और खुद करो, बिकॉज जब तक आप इसको खुद एग्जामाइन नहीं करोगे, आप जब खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक इसका आंसर आपको समझ में नहीं आएगा। डेफिनेटली आप ट्राई करो, अगर आंसर नहीं आया तो हम लोग अवेलेबल हैं, बट ये पीपीटी लो, अंडरस्टैंड करो और गो थ्रू करो, इसका आंसर खुद फाइंड करो। तो जितने भी एग्जाम्पल है आप इसके सारे के सारे आंसर खुद से निकालो। इस केस में भी देखो डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, आरसीएम के केस में सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू ब्रिज एंड कंपनी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ द इनवॉइस लैप्स ऑन जून 3 को ही अपना डेट बाय डिफॉल्ट लूज हो चुका है, तो 12 मई को ब्रिजन कंपनी रिसीव द गुड्स, पेमेंट हो गया अपना 30 तारीख को, तो सिंपल आंसर है मे 12 विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई बिकॉज जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ अपने को वो बीइंग द अर्लीस्ट ऑफ द 3 स्टिपुलेटेड डेट, नेमली रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और द डेट ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days। तो तीनों में से विच एवर इज अर्लियर कौन सा है? 12। तो ऑब्वियस बात है इसका आंसर हो गया अपना 12। सिमिलरली सारे एग्जांपल से इसको गो थ्रू करो। सारे एग्जांपल हम डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो एग्जांपल समझने में कोई देरी नहीं होगी। अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर। वाउचर मीन्स ये जो कूपन्स होते हैं, कूपन्स। तो इस केसेस में क्या हो सकता है? दैट इज इन केस ऑफ सेक्शन 12(4) ये कहता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स, दैट इज इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द पॉइंट द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। यानी कि जिस दिन हम लोग गुड्स एक्सचेंज करेंगे, अपने को मालूम है उस वाउचर के अगेंस्ट जिस दिन गुड्स जाएगा, गुड्स एक्सचेंज होगा, बाय डिफॉल्ट वही कहलाएगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। और द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर या फिर जिस दिन वाउचर रिडीम किया जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ सर्विसेज इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाई एट द टाइम ऑफ, यानी कि ये पॉइंट नंबर ये बोल रहा है कि पॉइंट नंबर ये कह रहा है कि अगर अपने को पता है कि ये वाउचर कितने दिन के अंदर यूज किया जा सकता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने आपको कोई कूपन दिया, कोई वाउचर दिया, बोला कि ये कूपन अगर आप मैकडी में 4 अगस्त से पहले आके कोई यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका ये इतने 50% डिस्काउंट। तो इस केस में क्या अपने को आइडिया है कि 4 अगस्त तक ही अपने को ये कूपन वैलिड है, तो बाय डिफॉल्ट उसका टाइम क्या हो गया? उस टाइम में क्या होगा? बाय डिफॉल्ट उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा दैट इज 4th अगस्त। बट ऐसा कूपन जिसमें कोई टाइम लिमिट ही नहीं है कि कब आके वो करे, कभी भी आ सकता है, वो आज आ सकता है, कल आ सकता है, एक हफ्ते बाद भी आ सकता है वाउचर को रिडीम करने के लिए। तो जिस दिन आएगा उसी दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई काउंट होगा। सो आई होप सो यू आर क्लियर विद द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर। वाउचर 2 केसेस के हो सकते हैं। जिस केस में अपने को पता है कि ये वाउचर मैक्सिमम 5 अगस्त 4 अगस्त तक एक्सपायर हो जाएगा, तो उससे पहले बाय डिफॉल्ट उसका टाइम ऑफ सप्लाई यानी कि 4 अगस्त जो लास्ट डेट रहेगी वही टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ सर्विसेज डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर और द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ वाउचर। एग्जाम्पल जैसे कि वाउचर का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, हालांकि इसको आप भी समझ सकते हो लेकिन एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। एस इंडिया लिमिटेड सेल फूड्स कूपन टू ए कंपनी, द कंपनी गिव दिस कूपन्स टू इट्स एम्प्लॉय। यानी कि एस इंडिया लिमिटेड ने कूपन दिया कंपनी को, कंपनी ने क्या किया अपने एम्प्लॉय लोग को दे दिया एज अ परक्यूजिट, मतलब एज अ काइंड ऑफ परक्यूजिट दिया हुआ है, समझ लो इसको। द कूपन्स कैन बी रिडीम फॉर द परचेस ऑफ एनी आइटम ऑफ फूड प्रोविजंस इन द आउटलेट दैट आर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि एस इंडिया लिमिटेड के जो भी आउटलेट्स है वहां पे एम्प्लॉय जाके वो कूपन को रिडीम कर सकते हैं, उसके बदले कोई भी फूड आइटम या फिर कुछ भी परचेज कर सकते हैं। एज द सप्लाई अगेंस्ट विच इज द कूपन विल बी रिडीम इज नॉट नोन। अब इस केस में क्या हो रहा है कि कूपन बांट दिया कंपनी ने, लेकिन कूपन लेकर बंदे रिडीम कब करने आएंगे नहीं पता। तो इस केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई अपने को पता है नहीं पता है, तो इस केस में जैसे जैसे कूपन एम्प्लॉय लेकर आते जाएगा रिडीम करने के लिए और जिस दिन उसको रिडीम होते जाएगा बाय डिफॉल्ट वो सप्लाई डेट काउंट हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई उसके हिसाब से काउंट हो जाएगा। अभी केस नंबर 2 में क्या है? विथ ईच परचेस ऑफ लार्ज पिज्जा ड्यूरिंग द क्रिसमस वीक फ्रॉम परफेक्ट पिज्जा हाउस वन कैन बाय अ वाउचर ऑफ ₹20। इस केस में क्या पिज्जा हाउस ने ऑफर दिया अगर आप एक लार्ज पिज्जा परचेज करते हो तो आपको ₹20 का वाउचर मिलेगा जिसको आप रिडीम कर सकते हो 5 जनवरी से पहले, मतलब क्रिसमस के टाइम दिया था। 5 जनवरी से पहले अगर आप रिडीम करोगे तो आपको एक स्मॉल पिज्जा फ्री मिलेगा एग्जाम्पल, या फिर कुछ बेनिफिट मिलेगा। इस केस में अपने को मालूम है कि इसका लास्ट डेट क्या है, इसका लास्ट डेट 5 जनवरी है, तो 5 जनवरी विल बी द इशू ऑफ वाउचर का डेट, यानी कि 5 जनवरी जो है बाय डिफॉल्ट क्या कहलाएगा इसका रिडीमेबल डे, यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई इससे आइडेंटिफाई हो जाती है। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द वाउचर जैसे वही एग्जांपल्स के पूरे दिए हुए। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द लेट फीस इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी। अब तक तो हमने बात कर लिया गुड्स की, सर्विसेज की, हमने बात कर लिया वाउचर्स की। अब बात करते लेट फीस इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी। In terms of goods, the time of supply to the extent it relates to an addition the value of supply by the way of interest, late fees or penalty for the delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such additional value. Same case में service में भी जाता है, but कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपने कोई product sell किया था, कोई service sell किया था और आपने किसी बायर को ये स्टिपुलेटेड टाइम दिया था कि सर वी आर सप्लाइंग गुड्स बट यू नीड टू मेक द पेमेंट विद इन 35 days 45 days और एल्स यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑफ 1000 rupees फ्लैट पर मंथ। सो अगर वो बंदा बाद में चल के पेमेंट करता है यानी कि आफ्टर ड्यू डेट के बाद पेमेंट करा तो जो इससे इंटरेस्ट लेट फीस या पेनल्टी कवर करते तो उस केस में अपने को टाइम ऑफ सप्लाई काउंट होगा जिस दिन अपने को वो इंटरेस्ट या फिर वो पेनल्टी या फिर वो लेट फीस अपने अकाउंट में रिसीव होगा सप्लायर के बुक में रिसीव होगा उस टाइम पे उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई काउंट किया जाएगा और टैक्स लायबिलिटी वहाँ पे उस दिन जाके अराइज होगी। So section 12(6) talks about the goods and section 13(6) talk about services। से वही एग्जाम्पल है लेट फीस एंड पेनल्टी के। तो राधा ट्रेडर्स का भी वही पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। बात करते हैं चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स अगर चेंज होता है तो उस केस में क्या होगा ना, सी एनीथिंग कंटेन, अभी यहाँ पे इसको डिटेल में समझते हैं। अगर रेट ऑफ चेंज चेंज हुआ तो दैट इज टैक्स चेंज हुआ तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 12 और 13 दैट इज 12 फॉर गुड्स एंड 13 फॉर सर्विसेज द टाइम ऑफ सप्लाई वेयर देयर इज अ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी डिटरमाइन इन द फॉलोइंग मैनर। उस केसेस में कैसे आइडेंटिफाई करना है, पहला पॉइंट इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैव बीन सप्लाइड बिफोर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। अगर सब इन केस ऑफ सर्विस और गुड्स अगर मान लो सप्लाई जो पहले ही हो चुकी है, रेट चेंज होने से पहले ही सप्लाई कर दिया गया चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज, वेयर द इनवॉइस फॉर द सेम हैज बीन इश्यूड एंड द पेमेंट आल्सो रिसीव्ड आफ्टर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट और द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में हुआ ये कि इनवॉइस पहले रेज कर दिया पेमेंट बाद में आया, कोई बात नहीं पेमेंट बाद में आया विचएवर इज अर्लियर। इनवॉइस कब रेज किया आपने, पहले जो सेक्शन 31 के हिसाब से आपने रूल फॉलो किया और आपने इनवॉइस रेज कर दिया बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स या फिर विद इन 30 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो बाय डिफॉल्ट वो आपका क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट ये हो गया कि आपको जो टैक्स रेट जो चेंज हुआ वो अप्लाई नहीं होगा। नाउ वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशूड प्रायर टू द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, मतलब इनवॉइस पहले रेज किया बट पेमेंट इज रिसीव आफ्टर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई कब हो गया अपना, जिस दिन अपना टैक्स इनवॉइस रेज हुआ है, तो इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा। वेयर द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बिफोर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। अब इस केस में क्या बता रहा है कि पेमेंट जो है ना पहले आ गया था बट द इनवॉइस फॉर द सेम इज इशू आफ्टर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। इस केस में भी टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया, इस केस में भी टाइम ऑफ सप्लाई हो गया डेट ऑफ पेमेंट बिकॉज विचएवर इज अर्लियर। तो टैक्स ऑफ रेट जो अपना चेंजेस ऑफ रेट अप्लाई नहीं होगा। पॉइंट नंबर बी बोलता है इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ, जैसे पहले केस में क्या हुआ था कि गुड्स एंड सर्विसेज चेंज रेट चेंज होने से पहले ही दे दिया था, बट अब यहाँ पे क्या हुआ इन केस द गुड्स और सर्विसेज बोथ हैव बीन सप्लाइड आफ्टर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। पहले वाले केस में क्या था कि गुड्स और सर्विसेज पहले ही सप्लाई कर दिया था, बट यहाँ पे क्या हुआ गुड्स एंड सर्विस हमने रेट चेंज होने के बाद सप्लाई किया, तो इस केसेस में क्या होगा वेयर द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, पेमेंट बाद में आता है बट द इनवॉइस हैज बीन इशूड प्रायर टू द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, लेकिन इनवॉइस पहले ही रेज हो चुका था द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट। इस केसेस में क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई कब काउंट होगा, द डेट ऑफ रिसीप्ट। सो नेक्स्ट वन इज वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशूड, सी गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आफ्टर रेट ऑफ चेंज की सप्लाई हो गया। इस केस में बता रहा है कि वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशूड एंड पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, यानी कि पेमेंट भी पहले और इनवॉइस भी पहले लेकिन सप्लाई जो है अपना गुड्स का बाद में हुआ है। सो इस केस में द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसिप्ट और द पेमेंट और द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशूड आफ्टर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स बट द पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर द चेंज, यानी कि पेमेंट पहले आ गया इनवॉइस बाद में गया और गुड्स और सर्विस बाद में सप्लाई हुआ आफ्टर रेट चेंज द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इस केस में अपना जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इनवॉइस के हिसाब से होगा, दैट इज जिस दिन हमने इनवॉइस रेज किया रहेगा, दैट इज ये अगर रेट चेंज होता है तो उस केसेस में होगा। तो ये इवेंट्स को मैंने जस्ट एक इजी वे से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, तो वो तो पूरे डिटेल में इंफॉर्मेशन दी थी, बट यहाँ पे इसको आप ऐसे समझ सकते हो टाइम ऑफ सप्लाई कब काउंट होगा और इसका रेट ऑफ चेंज का दैट इज टैक्स रेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इस एग्जाम्पल को आप और गो थ्रू कर सकते हो डिटेल में। तो गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर रेट ऑफ चेंज अगर होता है तो उस केसेस में अपने को टाइम ऑफ सप्लाई क्या काउंट करना है, वो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा एंड टाइम ऑफ सप्लाई कैसे काउंट होगा इन केस ऑफ अगर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाद में किया गया या उससे पहले किया गया, उसके सारे सिनेरियो को यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो कुछ एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल आपको गो थ्रू करने हैं, डोंट वरी ये एग्जाम्पल्स हम लोग आपको पीपीटी पूरी की पूरी फाइल आपको मिल जाएगी, आप गो थ्रू कर सकते हो डिटेल में। नाउ द रेट ऑफ चेंजेस ऑफ टैक्स, वही बात हो गया, डेट ऑफ रिसिप्ट of the payment shall be the date of credit into the bank account if such credit in the bank account is after 4 working days from the date of change in the rate of tax. So ये तो पार्ट पूरा हो जाता है cover, that is time of supply. Time of supply is related with अपना nature of supply, यानी कि time of supply nature of supply एक दूसरे से link है। नेचर ऑफ सप्लाई से अपने को ये पता चलता है कि इसका नेचर क्या है, या इंट्रास्टेट है, इंटरस्टेट है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है। एंड टाइम ऑफ सप्लाई से अपने को ये पता चलता है कि अपनी गुड्स या सर्विस कब सप्लाई हुआ, इसकी लायबिलिटी अपने बुक्स में कब अराइज होती है, एंड व्हेन वी हैव टू पे द टैक्स लायबिलिटी वेदर ऑन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और वेदर इट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो यस, आई होप सो इट इज क्लियर विथ यू. In case of any query, doubt, we are available on this given contact detail. You can reach us anytime. Or else, अगर कुछ भी query है तो please directly you can mail us. So see you in next video. Thank you.